Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करते। देखो भाई, मेरी बीवी इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। अगर आपने इस वक्त मेरी मदद नहीं की ना, तो वो मर जाएगी। सर मैं छोटे के नहीं हूँ सर। मैं अभी तुझे ड्राइंग रूम की सैर करूँ, सब पता चल जाएगा कि तू छोटे डकैत है या नहीं। ले चलो इसको मोबाइल में डालो। हमने देखा कि पुलिस एक डकैत का पीछा करती है। वो डकैत अपनी जान बचाने के लिए घर में दाखिल हो जाता है और वहां मौजूद शख्स को ये बताता है कि उसकी बीवी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसके बाद हमने देखा कि पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करके ले जाती है। क्या वो शख्स वाकई चोर या डकैत था या फिर अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा था? हकीकत क्या है, चल के देखते हैं कहानी के पीछे। शिवा साहब, आपकी बीवी के दिल के दो बाल बंद हैं। जी, दो बाल बंद? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? शिवा साहब, जितनी जल्दी हो सके इनका बाईपास करवाएं। बाईपास? डॉक्टर साहब, लगभग कितना खर्चा आ जाएगा बाईपास? तकरीबन 3.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, मेडिसिन और टेस्ट मिला के लगभग 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। 4 लाख? डॉक्टर साहब, क्या मेडिसिन से काम नहीं बन सकता? मेडिसिन से आपका मसला हल नहीं होगा, बाईपास कराना लाजमी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कहीं से पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। अबू घर पर है? वो तो अम्मी की रिपोर्ट दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए हुए हैं। अच्छा, अम्मी तो होंगी घर पर, उन्हें बुलाओ। नहीं, वो तो अभी दवा खाकर सोई हैं। तुम्हें तो पता है कि 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया उन्होंने। मलिक साहब, अम्मी की बीमारी की वजह से अब्बू की जॉब छूट गई है। मुझे उनकी जॉब से क्या लेना देना, मुझे तो अपने किराए से मतलब है। हम आपके मकान में इतने अरसे से रह रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने अब तक किराया नहीं दिया। पहली बार तो हुआ है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। 3 महीने का टाइम बहुत होता है। अच्छा, आप हमें थोड़ा और टाइम और दे दीजिए, हम आपका किराया दे देंगे। ठीक है, अब अगले ही महीने आऊंगा और 4 महीने का किराया लेकर जाऊंगा। अगर किराया नहीं मिला तो घर का सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा, कह देना उन्हें। अस्सलाम वालेकुम निसार। सलाम, कैसे हो? क्या हाल है? बात खैरियत से हो? तुम्हारी जॉब का मसला हल हुआ? अरे कहाँ यार निसार, फिलहाल जॉब तो नहीं चल रही, अलबत्ता जॉब की कोशिशें जरूर चल रही है। और ये बताओ, सुल्ताना भाभी की तबीयत कैसी है? यार सुल्ताना की तरफ से मैं बहुत परेशान। तुम्हें पता है डॉक्टर्स ने उसको बाईपास का कह दिया है। क्या? बाईपास का कह दिया? यार ये तो बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। निसार, मैं तुम्हारे पास यहाँ मदद मांगने आया हूँ।
हाँ हाँ बोलो बोलो। अगर तुम मुझे थोड़े से पैसे और उधार दे दो तो मैं बड़ा मशकूर रहूंगा तुम्हारे। यार देख, तू तो पहले ही मेरा कर्जदार है और मेरी माली हालत अब वो नहीं है कि मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। निसार, मैं बड़ी उम्मीदें लेके तेरे पास आया हूँ। इस कठिन वक्त में अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? यार वो तो ठीक है, लेकिन वाकई मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं तेरी कोई मदद कर सकूं, इसलिए मैं माजरा चाहता हूँ। चलो, अल्लाह ताला कहीं और से इंतजाम करे। ठीक है भाई। मम्मी, बहुत देर हो गई है, अब्बू अभी तक नहीं आए। तुम तो जानती हो बेटा, वो मेरे ऑपरेशन की वजह से कितना परेशान है। जी अम्मी, जानती हूँ। अम्मी, पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं बेटा, अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं हुआ। वो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के बाद शायद अपने पुराने दोस्तों के पास जाएं। जब आप सो रही थी तो मालिक मकान मलिक साहब आए थे। हाँ बेटा, उनका 3 महीने का किराया सर पे चढ़ गया, न जाने कहाँ से अदा होगा। अम्मी, वो धमकी देकर गए हैं। वो दे सकते हैं धमकी, मकान मालिक है ना। वो कह रहे थे अगर उनको 4 महीने का किराया एक साथ नहीं दिया तो वो सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। बाद नौकरी ना मिलने की वजह से वैसे ही बहुत परेशान था, लेकिन जब डॉक्टर ने इसे बताया कि इसकी बीवी का फौरी बायपास कराना है तो इसकी मुसीबतों में इजाफा हो गया। नौकरी, बीवी का ऑपरेशन, बेटी की शादी, घर का किराया, दोस्तों का कर्जा, ऐसा लग रहा था कि मुसीबतों ने इबाद का घर देख लिया है। इन मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद भी वो अपनी बेटी और बीवी को दिलासा देता रहा। अल्लाह, सुल्ताना बेगम, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह तुम्हारे ऑपरेशन का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लूंगा मैं। आप मेरे ऑपरेशन को छोड़िए जी, अगले महीने तक 4 महीने के किराए का इंतजाम करें। सुल्ताना बेगम, बस एक बार मेरी जॉब लग जाए उसके बाद मैं सारे इंतजामात कर दूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मलिक साहब आए थे और वो धमकी देकर गए हैं, अगर उन्हें सारा किराया नहीं दिया तो वो घर का सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। अरे भाई, उनसे कहो थोड़ा सा इंतजार कर ले, ऐसी क्या कयामत आ गई। उन्हें और कितना ही इंतजार कराऊं। बात देखो भाई सुल्ताना, इस घर की रौनक सिर्फ तुम्हारे दम से, सबसे पहले तुम्हारा इलाज होगा, उसके बाद मैं कोई दूसरा काम कराऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं बस। और इस मामले में तुम मुझसे कोई बहस नहीं करोगी, मैं बता रहा हूं। आप भी ना जिस काम की थान लेते हैं ना वो करके ही छोड़ते हैं। वो जो सारे जहानों का मालिक ऊपर बैठा है ना, जब वो देने पे आता है तो किसी को वहमो गुमान भी नहीं होता कि उसने कहां से दे दिया। आपको ऐसा लगता होगा लेकिन मुझे कोई आसार नजर नहीं आते। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे अपने अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन वो अपने गरीब बंदों की सुनवाई जरूर करेगा। एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे सुल्ताना, तुम देख लेना। आपको अब भी कि कहीं से कारून का कोई खजाना मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सुल्ताना, हाँ मुझे अपने खुदा के साथ पे यकीन कि एक ना एक दिन वो
हमारी सारी तकलीफ दूर कर देगा। वो अपने बंदों से, अपने महबूब के उम्मतियों से बहुत मोहब्बत करता है। देखो अमन, अब मेरे घर वाले और वेट नहीं कर सकते। लेकिन साकिब, तुमसे तो कुछ ढका छुपा नहीं है। देखो, अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि वो कल ही तुम्हारे घर आएंगे और ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। अरे नहीं, प्लीज़ उनको रोको। क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? तुम मुझे बीच राह में छोड़ के चले जाओगे? ये तुम्हारी मोहब्बत ही तो है अमन, कि मैंने उनको अभी तक रोका हुआ है। वरना तुम तो जानती हो कि वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार ही नहीं थी। बस अम्मी का ऑपरेशन हो जाने दो, फिर अब्बू मेरे लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उनकी लॉटरी निकलने वाली है। इबाद गर्दिश में था, इस बुरे वक्त में इसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब इसका साथ छोड़ गए, लेकिन उसने बिल्कुल हिम्मत ना हारी। उसे इस बात का यकीन था कि खुदा उसे इस मुसीबत से ज़रूर निकालेगा। और ये बात सच है कि जब इंसान खुलूस दिल से खुदा को पुकारता है तो वो अपने बंदे की मदद ज़रूर करता है, क्योंकि खुदा इंसान की शेरख से भी ज़्यादा करीब है। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अब्बू को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, वो तो पहले ही मेरी तबीयत को लेके बहुत परेशान है। अच्छा, आप आराम से बैठे हैं। अम्मी, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं जॉब कर लूँ। मेरी वजह से तुम सब लोग तकलीफ में आ गए हो ना। अरे नहीं अम्मी, इन हालात में और करा भी क्या जा सकता है। तुम्हारे अब्बू भी झूठे दिलासे और झूठी तसल्ली देकर मेरा दिल बहला रहे हैं, मेरे अंदर जीने का हौसला पैदा कर रहे हैं। अरे नहीं अम्मी, मैंने अब्बू की आंखों में एक यकीन और हौसला देखा है। अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। इसी ढारस से, इसी उम्मीद के सहारे तो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ। आप क्यों करती हैं इतनी मायूसी की बातें? अम्मी, मायूसी गुनाह है। नहीं बेटा, अब मुझे अपने जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं बेटा मुझे। मेरे जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं अम्मी नहीं, एक दरवाजा है, अल्लाह का दरवाजा, वो कभी बंद नहीं होता। तो ठीक कहती, उस अल्लाह के सहारे ही बस उम्मीद लगा के बैठी हूँ, उसी के आगे झोली फैलाई है। अल्लाह अल्लाह देखो बेहतर करे, बेहतर कर इंशाल्लाह। अम्मी अरे भाई, क्या बातें हो रही दोनों माँ बेटियों में? कुछ नहीं अब्बू, आज सारा दिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब रही है। अरे ये तो ऐसे ही कह रही है, अभी बेहतर है मेरी तबीयत। नहीं अब्बू, अम्मी झूठ बोल रही है, आप सुबह ही इनको अस्पताल लेकर जाइए। हाँ गुड़िया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी माँ को मैं कल सवेरे ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ओ अब्बू, पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं बेटा, फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कल सुबह मैंने एक दो बंदों के पास और जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना।
بس اپنے اس وحدہ لا شریک پروردگار سے دعا مانگ جس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے نا, وہی ہمیں اس آزمائش سے نکال بھی دے گا انشاءاللہ. ابو آپ کی ہمت اور حوصلہ دیکھ کر لگتا ہے آپ نے ابھی ہار نہیں مانی. یہ کون آ گیا اس ٹائم؟ ایک منٹ میں. ارے ابو آپ بیٹھے, میں دیکھتی ہوں, بیٹھے. ابو آپ کا کوریئر آیا. کوریئر؟ بھائی یہ کس نے بھیج دیا؟ کس کا لیٹر ہے یہ بات؟ ہاں ایڈوکیٹ لیاقت علی نے بھیجا ہے. یہ لیاقت علی؟ یہ کون ہے آپ جانتے ہو اسے؟ ارے بھائی کاشف کے توسط سے ایڈوکیٹ لیاقت نے مجھے لیٹر بھیجا ہے. یہ کاشف کون ہے عباد؟ یاد کرو سلطانہ بیگم, آج سے 25 برس پہلے کیا ہوا؟ اس دن ماں ملی تھی اور تم ایک دوست سے ملنے گئی ہوئی تھی, یاد ہے تمہیں سلطانہ بیگم؟ کون ہو تم اور اندر کیسے گھسا؟ بیگم مر جائے گی, پولیس میرے پیچھے لگی ہے. پولیس تمہارے پیچھے لگی ہے اس کا مطلب تم؟ نہیں نہیں بھائی میں چور ڈکیت نہیں ہوں. تو پولیس تمہارے پیچھے کیوں لگی ہے؟ میری بیوی جدہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے, سیزر ڈلیوری کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے بلڈ کا اور کچھ رقم کا بندوبست کرنے کا کہا تھا. میں بلڈ اور رقم کا انتظام کرنے کے لیے نکلا, میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے پیسوں کا انتظام کروں. ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا, بریف کیس دیکھ کے میرے دل میں اسے لوٹنے کا خیال پیدا ہو گیا. سر اسے لوٹ رہا, سر اسے پکڑو, اس کو پکڑو. سر بھاگ رہا, سر گاڑی میں بیٹھو جلدی. پولیس نے میری طرف اشارہ کر کے مجھے پکڑنے کا کہا, میں ایک دم گھبرا گیا. یہ سوچتے دوڑ لگا دی کہ اگر پولیس مجھے پکڑ لے گی تو میری بیوی اسپتال میں دم توڑ سے آئے گی. سے بچنے کے لیے میں بھاگتا رہا بھاگتا رہا.
आपके घर का दरवाजा खुला देते मैं छुपने के लिए अंदर आ गया। तुम अंदर आए ना, अब तुम्हें ढूंढते ढूंढते पुलिस भी तुम्हारे पीछे आएगी। मेरे भाई 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 मेरी बात का यकीन करो, मैं कोई प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ। मैं गया, मेरी मदद कीजिए भाई, मतलब मर जाएगा मेरा। अच्छा 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 मेरी बात सुनो। तुमने पुलिस से भाग के बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। नहीं भाई, प्लीज कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करते। देखो भाई, मेरी बीवी इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है, अगर आप इस वक्त मेरी मदद नहीं की ना तो वो मर जाएगी भाई। जी कौन? अरे सर सब खैरियत तो है, आप लोग कहाँ? कहाँ है वो? कौन सर, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अबे हम उसी की बात कर रहे हैं जिसका पीछा करते हुए हम यहाँ तक आए, और तेरी गली के लड़कों ने बताया वो इसी घर में छुपा है। कहाँ छुपाया उसे? अनजाने में कहीं तुम उस डकैत की मदद तो नहीं कर रहे हो? सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए, यहाँ कोई नहीं आया। आसिफ और यासिर तुम दोनों इस घर की अच्छी तरह तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो, मुझे यकीन है वो इस घर से ही बरामद होगा। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। बहुत दौड़ाया है तूने पुलिस को। सर मैं छोटे के नहीं सर, अभी तुझे ड्राइंग रूम की सैर करवाएंगे, सब पता चल जाएगा कि तू चोर डकैत है या नहीं। ले चलो इसको मोबाइल में डालो। लेकिन ये तो आपने मुझे बताया था एक बार। हाँ सुल्ताना बेगम, ये बात तो मैंने तुम्हें बताई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो मैंने तुम्हें नहीं बताया। इसके बाद क्या हुआ था? मुझे उस शख्स की बातों में सच्चाई नजर आई थी, और वो मुझे कहीं से भी चोर या डकैत नहीं महसूस हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर मैं अस्पताल गया तो पता चला कि उस गरीब की ब्लड की फौरी जरूरत है। मैंने उस शख्स की बीवी की जान बचाने के लिए ना सिर्फ उसे अपना खून दिया, बल्कि उस अस्पताल की सारी पेमेंट भी कर दी। तो मुझे अच्छे से याद है, उस रात जब मैं घर वापस आई थी तो आपने सारी तनख्वाह मेरे हाथ पे रख दी थी। सही कहती हो सुल्ताना बेगम, तनख्वाह तो वाकई मैंने तुम्हारे ही हाथ में रखी थी। अस्पताल की पेमेंट क्लियर करने के लिए मैंने अपने एक दोस्त से कर्जा लिया था, आपने ये सब कुछ मुझसे छुपाया, मुझे बताया क्यों नहीं ये बात? अरे एक ही एक तो बेगम है हमारी सुल्ताना बेगम, अगर वो भी रूठ जाएगी तो कहाँ जाएंगे, बस इस खौफ से नहीं बताया। अब्बू फिर उस शख्स की बीवी की जान बच गई? हाँ गुड़िया,
उसकी बीवी और बच्चे दोनों की जान बच गई थी खैर से। तो उसके शोहर को पुलिस ने छोड़ दिया था? पहले मैं उसकी बीवी से मिला और उसको सारा वाकया बताया। ये सब कुछ सुनने के बाद तो वो बहुत अपसेट हो गई होगी। वो अपने बेटे की पैदाइश पे बहुत खुश थी, लेकिन हाँ सुल्ताना बेगम, ये बात सुनने के बाद वो कुछ कुछ अपसेट हो गई। एक दिन उसने मुझे फोन पे बताया कि उसका बेटा उसके लिए बहुत खुशनसीब साबित हुआ है। उसके कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर ली। फिर एक दिन उसकी बेगम उसे छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई? ऐसा क्या हुआ था? उसकी बीवी ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। एक दिन उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा शूट कर गया कि उसे ब्रेन हैमरेज हो गया, जो कि जानलेवा साबित हुआ। फिर क्या हुआ अबू? बेटा फिर उसने अपने बेटे को माँ और बाप दोनों ही बन के पालना शुरू कर दिया। तो क्या उसके बाद आप उस शख्स से नहीं मिले? अरे गुड़िया, जब वो अपनी दुनिया में मगन हो गया तो वक्त के साथ साथ मैंने भी उसे फरामोश कर दिया। और उसने आपको याद रखा? आज इस कागज पे उसका नाम लिखा देख के मुझे माजी के वो सारे लम्हात याद आ गए। क्या लिखा है इस लेटर में? अरे भाई, काशिफ के वकील ने मुझे अपने दफ्तर बुलवाया है। दफ्तर? दफ्तर क्यों बुलाया है? अरे भाई सुल्ताना बेगम, ये तो उसके दफ्तर जाके ही मालूम होगा ना कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। इबाद जब वकील से जाकर मिला तो इसे पहला धचका ये लगा कि काशिफ इस दुनिया में नहीं रहा। काशिफ ने इसके नाम एक खत छोड़ा था। उसने जब इस खत को पढ़ा तो इसे यकीन नहीं आया कि एक पल में सब कुछ बदल गया। आखिर इस खत में ऐसा क्या लिखा था? अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह। कहाँ रह गए थे आप, इतनी देर हो गई? अरे सुल्ताना बेगम, दो घड़ी सांस तो ले लेने दो। अभी घर में आया नहीं हूं कि तुम शुरू हो गई सवाल अपने लेके। मैंने कहाँ जाना था, वो क्या नाम है उनका, एडवोकेट लियाकत अली, उनके दफ्तर गया था मैं आज। बातों बातों में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, कब रात हो गई। क्यों, वकील साहब ने क्यों बुलाया था आपको? खैरियत तो है ना? ये क्या है? पढ़ लो बेटी, ये पढ़ो। जनाबे मोहतरम इबाद साहब, अस्सलामुअलैकुम। मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, तुमने एक एहसान करके मेरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया था। बीवी की मौत के बाद मैं अपने बेटे और बहू के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था कि एक सानिहा मुझ पर टूट पड़ा। मेरा बेटा और बहू एक कार एक्सीडेंट में हलाक हो गए। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं था। उनके गम में मैं बीमार रहने लगा था और मरने से पहले मैंने वसीयत कर दी थी कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, क्योंकि मेरे नज़दीक अब तुम ही इसके हकदार हो। आपका शुक्रगुजार काशिफ।
देखा सुल्ताना बेगम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना बेनियाज है। वो किसको कितना नवाज दे कोई हिसाब नहीं लगा सकता, कोई गुमान नहीं कर सकता। अब्बू, आपने जो नेकी की थी ये उसी का ही सिला है। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। लेकिन गुड़िया, मैंने ये नेकी किसी किसी लालच में आके नहीं की थी, कोई उम्मीद नहीं रखी थी मैंने। आज मैंने खुदा की जात पे आपके यकीन को देख लिया है। आप ठीक कहते थे, आप ठीक कहते थे, मैं तो गुमान भी नहीं कर सकती थी कि वो अल्लाह में इस तरह से नवाज देंगे। आप ठीक कहते थे। तुमने देखा सुल्ताना बेग, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही झटके में हमारी सारी तकलीफें दूर कर दी। अब तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा और हमारी गुड़िया की शादी भी बड़ी धूमधाम से होगी। खुदा तेरा शुक्र। कभी कभी कुदरत अपने बंदों को आजमाइश में डालकर उनका इम्तिहान लेती है, और जो शख्स हर मुसीबत और परेशानी का सामना सब्र के साथ कर ले तो उसके बाद कुदरत उसे अपने इनामो इकराम से उस तरह नवाजती है कि उसे उस बात का गुमान भी नहीं होता। जिंदगी में जब किसी के साथ नेकी करें तो उस शख्स से किसी भी बदले की, किसी भी सिले की उम्मीद ना रखें, क्योंकि देने वाली जात सिर्फ वो है। और जिंदगी में कभी नेकी करने का मौका मिले तो उसे जाया मत करें, क्योंकि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। इस बारे में सोचना है आप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहा।